अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया, लेकिन अब अयोध्या में भगवान राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाने के प्लान में जमीन का रोड़ा फंस गया। आपको बता दें कि मीरापुर ढाबा के बाद अब माझा बरहटा में भी जमीन अधिग्रहण को लेकर पेच फंस गया है। माझा बरहटा में भी किसान भूमि अधिग्रहण के विरोध में उतर आए। दरअसल पहले मीरापुर ढाबा में लोग मुआवजा बढ़ाने और अधिग्रहण की पारदर्शिता के लिए हाई कोर्ट की शरण में गए, तो कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए कि अधिग्रहण की कार्रवाई सहमति के साथ हो और अधिग्रहण में पारदर्शिता बरती जाए। लेकिन बाद में मीरापुर में तकनीकी समस्याओं का हवाला देते हुए राम मूर्ति के लिए चयनित स्थल बदल दिया गया। अब राम मूर्ति के लिए माझा बरहटा में जमीन तलाश की गई, तो वहां भी ग्रामीणों ने विरोध किया और एक बार फिर कोर्ट से न्याय की मांग की। याचिकाकर्ता का कहना है कि वो राम मूर्ति का नहीं बल्कि सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। लोगों का दावा है कि वो इन जमीनों पर सैकड़ों सालों से निवास कर रहे हैं। मामले में इसलिए गए हैं क्योंकि हमारी जमीन ये लोग अधिग्रहण कर रहे हैं बिना हम लोगों की सहमति के। जब हम लोगों की सहमति होते तब ये अधिग्रहण वाला ये काम करते, हम लोगों की सहमति बनी नहीं, इसलिए हम माननीय उच्च न्यायालय का सहारा लिए हैं और वहाँ पर गए, तो हम लोगों को वहाँ से आदेश भी हुआ है कि बिना आपकी सहमति के, क्योंकि ये हमारी तीन तीन पुश्तों से हम यहाँ अपने गांव में रह रहे हैं, आज तक हमारी ज़मीन का ये आबादी नहीं दर्ज हो पाई, क्योंकि आज 40-50 साल हो गया सर, वो जो बंदोबस्त इनका और फाइनल नहीं हुआ। जब बंदोबस्त फाइनल नहीं हुआ तो हमारे घर का हमारा मालिक नहीं बन पाए। वही माझा बरहटा को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने ग्रामीणों से मुलाकात करने पहुंचे और सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण से पहले चार पीढ़ियों से रह रहे लोगों को भू स्वामी और भवन स्वामी बनाया जाए। जो यहाँ पर तीन चार पुश्तों से लोग रह रहे हैं, जिनका यहाँ पर मकान और जमीन है, प्रशासन द्वारा उनको वहाँ यहाँ का मालिक घोषित किया जाए, उनके मकान का और जमीन का, और उनको वाजिब मूल्य दिया जाए। यहाँ पर कई वर्षों से सर्किल रेट भी नहीं बढ़ा है, हम चाहते हैं सर्किल रेट बढ़े। और जो हमारे किसान यहाँ पर रहते हैं, तीन पुश्तों से जो रह रहे हैं, उस मकान का मालिक, उस जमीन का मालिक उनको घोषित किया जाए और सर्किल रेट बढ़ाया जाए। और जो यहाँ पर तीन चार पुश्तों से रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जिनका मकान है, उन्हें ही मुआवजा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ महासी टाइप के भू माफिया, जो उन्होंने न कभी जमीन देखी कहाँ पर है, न वो जानते हैं कौन यहाँ पर रह रहा है, केवल अवैध रूप से लिखा पढ़ी किए हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए। और जो यहाँ पर वाजिब लोग लगातार 60-70-80 वर्षों से रह रहे हैं, उन्हें ही मालिक बनाया जाए, उन्हें ही जमीन का मुआवजा दिया जाए। और भगवान राम की मूर्ति खिलाफ न यहाँ कोई है, न कोई गलत विचारधारा का है। वहीं अयोध्या के रेजिडेंटल मजिस्ट्रेट ने किसानों को आश्वासन दिया कि अधिग्रहण में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी, साथ ही उचित मुआवजा भी ग्रामीणों को दिलाया जाएगा। यहाँ के जो निवासी हैं, इनका कहना है कि ये कोई महर्षि जी हैं, उनकी जमीन है। अब ये लोग सैकड़ों सालों से यहाँ बसे हुए हैं, क्योंकि सर्वे या चकबंदी प्रक्रिया नहीं हुई, इसकी वजह से इनकी आबादी जो थी वो आबादी घोषित नहीं हो पाई। तो इनका कहना है कि पहले आबादी घोषित की जाए, हम लोगों का नाम चढ़ाया जाए, उसके बाद इसका अधिग्रहण किया जाए, ताकि जो 100 साल से 150 साल से यहाँ हैं, उनको जो है उनका नुकसान न हो, उनको विस्थापित करने के लिए कोई स्थान चयन किया जाए, वो दिया जाए। तो इनके ज्ञापन को हमने ले लिया है, इसमें 6 बिंदु का ज्ञापन है, ये DM साहब को देंगे, इनकी बात से अवगत कराएंगे, जो भी संभव होगा शासन से उचित मुआवजा इनको दिया जाएगा। गौरतलब है कि 2017 में CM योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति लगाने के प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इस दिशा में पहला चरण भी पूरा नहीं हो सका। उम्मीद है कि जमीन को लेकर फंसा पेच जल्दी सुलझेगा और भगवान श्री राम की मूर्ति लगाने का रास्ता साफ होगा। पंजाब केसरी TV के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट।